ओए हाँ भाई, क्या सीन है? अभी किस किस को उठाना है? दिलुकवान को उठाना है और हैदर को ट्राई करने उठाने का। घर जाना पड़ेगा उसके तो। बाकी मैं यहाँ से निकल कर लाइट में जाके आप लोगों को सीन बताता हूँ क्या है। अच्छा हाँ, तो भाई सीन ये, अच्छा लुकमान को कह के कि वर्धावन के बाहर आ जाए। हेलो हैदर किधर है? हाँ लेफ्ट। अच्छा 5 मिनट फ्री हो गया। इसको कर यार, तो मैं कॉल करके वापसी वीडियो यार। फ्राइज खा रहा है। ओए फ्राइज खा रहा है। ओए शीशा नीचे कर, शीशा नीचे कर। ओए फ्राइज खा रहा है। ओए आज भी गंदे ही है ना। आज अच्छी लग रही है। देखा मैं मुंह से गिर गया। आए 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 है आज ही ये नहीं। हां मैं ठीक हूं। और दे एक बॉल है लुकमान। यार ये अच्छे हैं, क्रंची हैं ये। अभी पता नहीं इतने अच्छे। आज सुन, अभी हम जा रहे हैं, अभी V8 लेके जा रहे हैं, बाद में शायद आज या कल में हम रेवो लेके जाएंगे फॉर 14 अगस्त प्रेपरेशन। क्या क्या करवाना चाहिए यार? झंडा तो एक अमार ने बोल दिया, झंडा लगवा। अच्छा कहाँ लगवाए? वैसे अमार ने कब बोला? मैसेज पे बोला। अच्छा ओ अच्छा अच्छा कहाँ लगवाए? बोनेट पे। चलो ठीक है, और क्या करें? बस यार एक कमीज पहन लेंगे। कोई बॉम्ब शॉम लेने? आई मीन पटाखे पटूखे तो यार ऑब्वियसली वो तो पूछने की बात ही नहीं। अच्छा बस फिर वो लेंगे, गाड़ी से बाहर फेंकेंगे दूसरी गाड़ी में। यस बस डन हो गए। डन है, डन है, बस ठीक है। अभी हैदर को उठाते हैं फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। उधर बोल के शर्म आ रही। दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। वो गीला हुआ है, पानी है सर। अच्छा बाकी उसे तो सलाम कर। ये अभी सो रहा है ना। गुड यार, 5 बजे उठता है इधर। काका नहीं खाली, खाली है। बाहर फेंकने नहीं। कैसा है इधर? आज सलाम कर। I'm good. पापा जी दा करम। यार इधर हद हो गई यार। इधर ये क्या गेयर कितना गंदा लग रहा है। सारे को मारा था तो मर जाते। कन्वर्सेशन इसमें आ जाती है। ओ हेलो यार, सारे पियो तेरे नाम वाली कटिंग बड़ी फाइन भाई। क्यूट लगता है सारे। ठीक है इजिप्शियन, यो के होवे इजिप्शियन। मिस्री नहीं बोला जा रहा। बोलता अपने अब्बे का ना इंग्लिश में कुछ बुलाता था। कॉन्ट्रैक्टर। हाँ कॉन्ट्रैक्टर। मैंने कहा हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। यार जनरल सर नहीं बता रहा। कोई ऐसा लुक ही नहीं होता। वेयर हाउस भाई जान। वेयर हाउस। वेयर गोदाम। गोदाम गोदाम पे बैठता है, माल गिनता है। बोला गिली डंडा नहीं हॉकी है। विजन ये जीतेगा भाई। गाड़ी साफ हो गई है। जो जीनियन हो गई है। गाड़ी धुल गई है। गाड़ी धुल गई है। मैं रेस्ट पे हूँ। अब बताओ क्या करना है? पहले चंडा लगाए, पहले खाना खाए। यार यार मेरा नट टूट गया। क्या टूट गया? मुक्का मारे मुझे। यो मुक्का मारे यार। मैं हाथ पीछे से आगे ला था, ये आगे मुक्का। यार मैं कहता हूँ पहले झंडा वगैरह लगवा लेते हैं, फिर बट भी तब फ्री हो जाए। बस आऊँ आऊँ वाला भी है। यार ये बोनेट पे झंडा लगवाना है। लग जाएगा भाई। लग तो जाएगा। बताएं क्वालिटी, बताएं पैसे, बताएं। सर जी 2500 रुपए का झंडा है जरा बोनेट पे लगेगा। 3000 रुपए का। चल चल चलो बोनेट वाला। सीधे सीधे पैसे बताना, गाड़ी देख के ना बताना। वो करते जो तुमको सही ना पहुंच गया। क्योंकि फिर ऐसा हुआ तो मैं फिर अपना डाला भी लाऊंगा। आपके जानदार के जितने लड़के ना बहुत बड़ा सड़क झंडे लेके तो मुझे पता अगर एक में लगाना तो दूसरे वक्त देंगे। अगर ये अच्छा लगाएंगे ना, अगर आपको किसी दोस्त ने उसने बोल दिया ना यार अच्छा लगाए किधर से, तो समझो हमारी वो पैसे पूरे हो जाएंगे। अभी आप बेफिक्र हो जाए। यही सिस्टम है, बस यही सिस्टम। ये होता है देख, मुझे ना मार दिया, मेरा हाथ टूटा हुआ। देखो भाई एटलीस्ट
नहीं यार ये फट फट क्यों करेगा? नहीं करेगा ना। अच्छा बिल्कुल ठीक है यार। अब इतना कौन निकले गर्मी हो रही है भाई, बहुत भूख लगी है यार। वैसे वो जो लड़ाई हुई थी ना उसकी वीडियो बनानी चाहिए थी। सिस्टम हो गया था थोड़ा। शाका मैंने कहा शाका शीशा नीचे नहीं करा। अच्छा खैर भाई जान मैं एक मंगाऊंगा एक्स वैंगजा, एक मंगाऊंगा डक ते एक सर्फ। लेकिन ये एक्चुअली इनका जो ये वाला है ना स्मैश, अबे वो आए तो मैं देख ऐसा आता है ब्रिम में। यार मुझे ये पसंद ही नहीं है, मुझे ब्रिम वाला ज्यादा अच्छा। भाई इनके फ्राइज देखो, फ्राइज भी नहीं देते। फ्राइज करने बाद पता लगे ब्रिम ज्यादा बेहतर है। देख इसके बाद पता लगे इस्लामाबाद का बेस्ट बर्गर कौन सा ब्रिम ही है। यार इधर अभी नहीं यार, एक से मैं अच्छा नहीं लग रहा था। एक सेकंड भाई आप लोग देख सकते हैं। ओए ये क्या है भाई, आप लोग देख सकते हैं फुल सिस्टम हो गया गाड़ी का। अभी बस अभी तो खैर रात हो गई, कल सुबह सुबह जाते हैं रबो का भी कराते हैं। बस फिर दोनों गाड़ियां साइड हो जाएगी। The next day. अब ऐसा सेकंड डे। अब आप लोग कहेंगे सामने अमार जा रहा है, अमार नहीं जा रहा है। इस्लामाबाद नंबर गाड़ी उनकी पंजाब नंबर गाड़ी है। था कि ग्रैंडी का एक ब्लॉग बनाना है तो ग्रैंडी का भी इंशाल्लाह आएगा। अभी ग्रैंडी के लिए बेसिकली एक दो चीज़ें करवानी है, वो भी रह गई थी लेकिन अभी वो करेंगे। वो तला जा रहा है, वो तला होके शाम को हम रेवो लेके जाएंगे हमारे लोगों के साथ और उसको तैयार करा के आएंगे। जैसे अभी कोई है नहीं साथ मेरे। ग्रैंडी का ब्लॉग बनाने, ग्रैंडी का ब्लॉग बनाने भाई जान, ग्रैंडी का ब्लॉग आएगा। एक बंदे का मुझे मैसेज आया था, कह रहा था भाई POV ब्लॉग किया करो। पहले तो मैंने जाके यूट्यूब किया कि भाई POV है क्या शायद। मार से पूछा भाई जान POV ड्राइविंग का सिस्टम किस तरह करें, क्योंकि GoPro वगैरह है नहीं, फोन से काम चलता है। तो जो उसने मुझे POV ड्राइविंग के बारे में बताया आप वो देखें। तब तक मैं इसका काम कराता हूँ और फिर हम शाम को निकलते हैं रेवो लेके। POV ड्राइविंग कैसे होती है तो इस तरह गाड़ी कैसे चलेगी कैमरे में देख के? वो डेंजरस नहीं है? वैसे भी तो डेंजरस काम करते रहते हैं। भगा गाड़ी, ओए ओए ओए, नॉन टर्बो भाई जान तला किधर है? तला आ रहा कॉल कर यार, क्या उसे घर से काफी स्लो हो वैसे चला ही नहीं जाता है। चले क्या देख रहा है, क्या देख रहा है भाई, बहुत स्लो चलता है यार तला। तू अलैकुम सलाम। अच्छा अभी तक तबीयत खराब है तो ये क्या है? हाँ जब तू आ रहा था ना बम फटा, मैं यूं हो गया, मैंने कहा ओ भाई। अच्छा अभी तला बता और क्या करे यार, अगर मैं मेरे तो वहां पे तो सिर्फ रह गए। हां और दूसरा फिर आधी गाड़ी ग्रीन रैप करा लूं। अच्छा रैप करवा ले दादा, आधा ग्रीन हो जाएगी ना, झंडा बन जाएगा। करा तो सही, देख लेंगे, करा ही नहीं सकता भाई मैं, क्यों पैसे जाए करूं? 80,000 रुपए लगेंगे, 80-90। अच्छा वो भी दो दिनों के लिए? हाँ जी, सस्ता रहा पहुंच जाएगा कागज वाला। हाँ ताकि मैं उतारू मेरा पेंट भी उतर जाए भाई, मेरी जीनियन गाड़ी है, एक भी जगह पेंट नहीं है सिवाय फ्रंट बम्पर के थोड़ा सा। तो मैंने खैर व्लॉग में दिखाया एंड वी ओ यार वो तूने मारी है भाई फ्रंट बम्पर, मुझे तो नहीं पता ऐसी बात नहीं, तूने व्लॉग में बताया है नहीं बे, किसने मारी क्या कैसे लगी ये नहीं बताया। झंडा सिर्फ या और कुछ भी यार? और कुछ देखते हैं G9 से चीजें। G9 जाना है, झंडा तो लगवा फिर G9 चलेंगे। G9 में मिलेगा झंडा? हाँ मिलेगा, चलो G9 चलो। G9 ही चलते हैं, तो शायद कुछ और भी मिल जाए, पता नहीं। हर बंदा बोल रहा G9 पता नहीं क्या मिल रहा है, देख लेते हैं। G9 बज़ूके मिल रहे हैं क्या G9 में? अल्लाह करे, चलो जाके बज़ूका लेते हैं। बस मेरा तो मूड यही है यार। वो ना आज मैंने गाड़ी देखी थी, उसने एक झंडा लगाया हुआ था, चारों दरवाजों में झंडा फसाया हुआ था और पीछे यू सुपरमैन की तरह झंडा झूल रहा था। कैसे यार? ऊपर से ना। अच्छा आहो, वो फिर वो सुपरमैन की तरह झूलता है, लेकिन उसका मसला ये है कि यार वो यार चारों दरवाजों में एक खोले दूसरे खोले, खराब हो जाए हर दफा। पास साइज इसी, ओए लुकमान लग रहा है जो साइज है इसका, वो लेकर आओ ना हमारा, देखिए वही वाला अपनी गाड़ी वाला कलर तो सही है, पैरेट ग्रीन नहीं है, नहीं तो पैरेट ग्रीन यो के होवे पैरेट ग्रीन। ये तो बहुत बड़ा नहीं है हमारे, वही कलर देख ले बस एक दफा, कलर देख ले वही वाला होना चाहिए यार, ताकि बखरा ना लगे। डार्क सही था? नहीं डार्क ही है, सही है, अब इतना नहीं पता लग रहा। ये सफेद ज्यादा ना है, चलो पूछो लोग बस थोड़ा, ये वो कट रहा है ना पूरा, थोड़े इधर लो, बीच में होना चाहिए ये। चलो ठीक है बस, ठीक है भाई। भाई क्या क्या दे
ये डंडे किस लिए? पता है भाई का आपको? या दिखाओ तुम। पता है अब लगाना किस तरह? बोल बता तो खोले। ये हाँ इसको ये साथ चिपकाने हैं इसके। इसका सारा आपने में लगा दिया टेप। टेप लगा के इसको यूं खड़ा करना है, नीचे से आग लगा देनी है सीधी ऊपर। यही थोड़ा सा आपके हाथ को ये झटका देगी, आप छोड़ देंगे ऊपर। यही किसी के पीछे छोड़ दिया तब छोड़ देंगे, कहां से आ रहा है उसको सही नहीं सही। अच्छा शी स्टॉप। चलो अच्छा वो पैसे चेक कर लो आगे। ओ बस हुई वाली बात है ना, मैं गया गारंटी खत्म। जाऊं फिर वो ना आप वाली गारंटी है। आए हां ट्रैक सूट था ना मेरे पास, इंपोर्टेड होते हैं 5-5 लाख का एक सूट। भाई जान पहले वो समझाओ ये सिस्टम किया गया अपना। यार ये है फायरवर्क्स और हमारे नुकसान वाली बात है। ये है ओ भाई ये देख तलाई वाला देख, 25 शॉट्स लिखे ऊपर। ये अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं सिस्टम, वो भी अच्छी क्वालिटी का। बात ये है ना जाके देखेंगे कि मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है कल के लिए। ज्यादा रोला ना हो जाए के साथ और दिन के टाइम को शॉर्ट। स्मोक ले आओ यार, समूर स्मोक मिल नहीं रहा। स्मोक समूर लाओ यार, नहीं समूर स्मोक लाओ। अच्छा अभी V8 साथ खड़ी करो। हां अच्छा मैंने थंबनेल लेना है। सुपरवाइजर सुपरवाइजर ने आज मेरा ग्रैंडी लगते लगे बची है सुपरवाइजर की वजह से। तो ये कौन सा ट्रक बुला लिया था मेरे मुंह के सामने यार। चलो अभी घर जाते हैं, दिखाते हैं सारा सीन। भाई जान इतनी हैवी क्यों है ये? ओए ओ भाई साहब हमारी क्या है सब। ओ भाई साहब पीछे देख कितनी जगह है, ये ज्यादा पीपी करती है। नॉट बैड, मजा आ गया कल करने वाला फिर। यस बॉय तू देख लग कैसे रही है ना सिस्टम फिर। सूतर बॉम्ब से बाहर गो लाइव भाई जान सिस्टम होने लगा में ना डालना पुलिस। अच्छा चलो सॉरी पुलिस। Thank you.